बचपन से बड़ी अटपटी होती हैं बेटियां, मीठी तो कभी चटपटी होती हैं बेटियां, और जब तक है पास मन उदास हो नहीं सकता, बुलबुल की तरह नटखटी होती है बेटियां। बहुत शानदार कविता वो सुना के गए। हमने कहा था हास्य की प्रोधा है, हास्य में आज उनके बराबर कोई नहीं है। लेकिन विनोद भैया अक्सर मुझसे कहते हैं एलिस तू शादी कर ले, एलिस तू शादी कर ले। मैंने कहा भैया क्यों, ऐसा क्या है शादी में? मैंने तो सुना है कि शादी के बाद बीवी बहुत काम करवाती है, मारती है। बोला नहीं पगले, किसने तुझसे कहा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं, शादी कर ले, मुझे एक्सपीरियंस है। विनोद भैया ने मुझे समझाया कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तू शादी कर ले। मैंने कहा क्यों कर लूं, शादी के बाद बीवी मारती है, टेंशन मत ले, कोई काम नहीं। डॉक्टर साहब विनोद भैया ने बताया 15 मिनट में बर्तन मच जाते हैं, आधा घंटा में पहुंचा, उसके बाद पूरा दिन अपना, कोई टेंशन नहीं। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। जय हो। ये पूरी दुनिया डरती है पत्नियों से, एक अकेला आदमी हमारे पास जो नहीं डरता। क्या बात, अब दो हो गए हैं, एक उधर एक इधर। ये दोनों लोग नहीं डरते बिल्कुल अपनी पत्नियों से, सारी दुनिया डरती है। मैंने पूछा भैया विनोद भैया क्यों नहीं डरते अपने पत्नी से? बोला कि मैं नहीं डरता हूँ, मेरी मर्जी होती है तब मैं बर्तन धोता हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है, मेरी मर्जी होती है तब पोछा लगाता हूँ, मेरी मर्जी होती है तब खाना बनाता हूँ। मेरी पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे ये कहते कि पहले बर्तन धो लो बाद में पोछा लगा लियो, इन दोनों के लिए। हम सारे लोग ना वृंदावन मथुरा चार धाम सब जगह जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में लोटे में आते हैं। तो जिस व्यक्तित्व ने हमें सशरीर हरिद्वार में बुला लिया, गंगा मैया के दर्शन करा दिए, आप महानुभावों के दर्शन करा दिए, पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करा दिए, ऐसी हमारी बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या कहूँ, प्रेम और श्रृंगार हास्य सब कुछ सुना लेती हैं, सब कुछ सुनाती हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहूंगा दीदी कि प्रेम ना होता न होती विश्व की हर्ष है यहाँ पर, प्रेम ना होता न होते तुम वहां पर मैं यहाँ पर, प्रेम ना होता न बजती शाम की मधुबांसुरी ही, प्रेम ना होता न सजती पुष्प पर पगुपाखुरी ही, प्रेम ना होता तो सीता राम की होती कभी भी, प्रेम ना होता तो राधा श्याम की होती कभी भी। प्रेम के अधीन ही तो प्रेम की प्रतियोगिता है, प्रेम पृथ्वी राज है और प्रेम ही संयोगिता है। तो प्रेम रूपी आहुति आरंभ करता हूँ, काव्य का पावन हवन प्रारंभ करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय रजनी चौहान जी के लिए। वाह, तो बजा दो एक बार तालियां। पावन मंच को नमन। आप सबके परिश्रम को बहुत बहुत नमन करती हूँ। सुनाना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है, और आप इतने धैर्य से विनोद भाई जैसे महान अनुभव को सुन रहे हो तो यह आपके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा थी। देखिए एक महिला के लिए, एक महिला कितनी सशक्त होती है, हाँ। इस बात से पता चलता है इतने सारे पुरुषों के बीच में एक महिला बैठी है। क्या बात है, एक महिला अकेली ही काफी होती है। तो चलिए अपने हरिद्वार के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बहुत सूक्ष्म समय लूंगी, हमें दादा तक पहुँचना है। सनातन कालिए रग रग में एक संचार आई हूँ, ये हमारी देवभूमि पावन भूमि है। सनातन कालिए रग रग में एक संचार आई हूँ, बनाने आपके संग प्रेम का व्यवहार आई हूँ, बुलावा आप सब लोगों का ले करके मैं सिर माथे, सुनाने आपको कविताएं मैं हरिद्वार आई हूँ। वाह, और मैं कहीं भी रहूं मेरा हरिद्वार मेरे हृदय में हमेशा रहता है। तब पढ़ती हूँ।
मैं पावन देव नद सा जिंदगी का सार रखती हूँ। मैं पावन देव नद सा जिंदगी का सार रखती हूँ। विचारों में सनातन धर्म ही आधार रखती हूँ। विचारों में सनातन धर्म ही आधार रखती हूँ। मुझे मतलब नहीं अपने हृदय में कोई कुछ रखे, मगर अपने हृदय में मैं मेरा हर द्वार रखती हूँ। मगर अपने हृदय में मैं मेरा हर द्वार रखती हूँ। देखिए भाई साहब, महिला के जीवन में पति और माइक कभी उसके मन की स्थिति का नहीं होता है, उसे अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। देखिए प्रेम की बात, प्रेम महिला के बिना अधूरा है। और अभी बहुत सारी बातें महिलाओं पर हुई, अलेश ने भी कहा, विनोद भैया ने भी कहा। हाँ। तो देखिए हर महिला में नौ देवी का वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद भैया सुनो, हर महिला में नौ देवियों का वास होता है। हाँ। शादी के बाद कौन सा रूप एक्टिवेट होगा वो पति के कर्मों पर निर्भर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विनोद विनोद भैया की बाली में क्या काली भैया का हो गया है क्या, तभी परेशान रहते हैं। अब बजाओ ताली। देखिए कल जब हम अभी कवि सम्मेलन के लिए आ रहे थे, अलेश का कई बार आया, जीजी चलो चलो 6 बजे का समय है, चलते हैं चलते हैं। तो अलेश जब मैंने बोला था मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, हाँ। तो हर आधे घंटे बाद फोन करने का क्या मतलब था? भाई 2 मिनट पूरी तो होने दो। हर आधे घंटे बाद क्या मतलब था फोन करने का। और देखिए ये महिलाओं की खूबसूरती पे पार्लर पे बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी करते हैं। हाँ। अगर महिलाएं मेकअप ना करवाएं तो पुरुष की इनकम की जीडीपी कहां यहां से यहां पहुंच जाए। ऐसा ही है। खैर मैं भी ये बात आधा घंटा पार्लर में बैठने के बाद ही कह रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हास्य का गीत पढ़ती हूँ और फिर अपनी जगह लेती हूँ। स्वागत है। तब मैंने आजकल के बेबी सोना वाले लोगों के लिए लिखा, बेबी जानू सोना बाबू। ऐसे ही प्यारे ना, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया। हाँ। बेबी जानू सोना बाबू का कर दो दी एंड, क्योंकि सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। अरे बेबी जानू सोना बाबू, बेबी जानू सोना बाबू का कर दो दी एंड, क्योंकि पत्नी है परमानेंट। जो अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं वो ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। और भाभी जी ध्यान रखें, भाई साहब आपसे कितना प्यार करते हैं। पहला बन सौंपती हूँ कि क्या होता है, क्यों पत्नी परमानेंट है। हाँ। पिज्जा बर्गर खाएंगी ये। हाँ। पिज्जा बर्गर खाएंगी ये, पैसे खूब लुटवाएंगी ये, जब तक जेब रहेगी भारी। हाँ। पींगे खूब बढ़ाएंगी ये। हाँ। पैसा जाते ही जाएंगी। हाँ भैया जी आप घुमा रहे थे अभी किसी को, इसीलिए आपके लिए। पैसा जाते ही जाएंगी करके दिल पर डेंट, इसीलिए पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। वाह। दूसरे बताऊं, तुमको घर से दूर करेंगी, बेबी बस मेरा फोन उठाया करो। हाँ। किसी और का मत उठाया करो। हाँ। तुमको घर से दूर करेंगी, फिर नाटक भरपूर करेंगी, सपने दिखला करके तुमको खुद ही चकना चूर करेंगी। अब पापा नहीं मान रहे, कोई यूपीएससी वाला ही चाहिए। सपने दिखला करके तुमको खुद ही चकना चूर करेंगी, फिर तुमको बोलेंगी जाहिल, जब तुम उनके प्रेम में पागल हो जाओगे, फिर तुमको बोलेंगी जाहिल पागल एडामेंट, इसीलिए पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। अब शादीशुदा पुरुषों के लिए पत्नी परमानेंट क्यों है। हाँ। पत्नी है सुख दुख की साथी। डॉक्टर साहब जी, पत्नी है सुख दुख की साथी। हाँ। तुम दीपक हो वो है बाती। आए है। जीवन के हर एक रास्ते पर केवल पत्नी साथ निभाती,
जीवन के हर एक रास्ते पर केवल पत्नी साथ निभाती, यम तक से लड़ जाती गर हो, यम तक से लड़ जाती गर हो, संकट में हस्बैंड, इसीलिए सिर्फ पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। और ये सीख जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी, और जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी, मूल मंत्र शादीशुदा जीवन का आज तक कभी किसी ने, सबने सुना होगा हमारी बिटिया गाय है, सब कहते हैं हमारी बिटिया गाय है, किसी का सुना है मेरा बेटा बैल है? बेटा बेटी तो सबके घर में होता है, किसी का सुना हमारा बेटा बैल है? हमारी बिटिया गाय है क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस, तो इसीलिए बीवी से बहस ना करें, वो गाय है, वो सिर ही हिलाएगी तो उसके सामने आप कितना भी कह ले। तब कहती हूँ पत्नी पे मत गुस्सा करना, शांतिपूर्वक जीवन का मूल मंत्र, पत्नी पे मत गुस्सा करना, चुप रे घूंट सबर का भरना, दुनिया से डरना मत डरना, पर साहिब पत्नी से डरना, पत्नी की शर्तों पर उससे, पत्नी की शर्तों पर उससे करना सेटलमेंट, क्योंकि पत्नी है परमानेंट, पत्नी है परमानेंट, सिर्फ पत्नी है परमानेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।